हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेंट सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के 5 बड़े देश जो जीडीपी का ज़्यादातर परसेंट अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं, और भुखमरी मिटाने से ज़्यादा ये जो है लोगों को मिटाने में विश्वास रखते हैं, और ये बम बनाने, तोप बनाने, मिसाइल्स बनाने जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सकें, एटॉमिक बम बनाने, हाइड्रोजन बम बनाने में विश्वास रखते हैं, और दुनिया के मैप को बदलना चाहते हैं। और ये देश हैं, इनकी लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया का दादा है और दादा बनना भी रहना चाहता है, $611 बिलियन के साथ, और टोटल परसेंटेज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर वर्ल्ड के 36% ये इन्वेस्ट करता है। और आप देख सकते हैं ये टॉप 15 कंट्रीज़ की मैंने लिस्ट दी है, वैसे मैं टॉप 5 के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरे नंबर पे जो दादा बनने के लिए आगे बढ़ रहा है वो चाइना है, चतुर चाइना, चालाक चाइना, चपल चाइना, जो भी कहें आप, सब इसके लिए सूटेबल है। और ये ना ही सिर्फ इस इक्विपमेंट्स, डिफेंस की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत तेज़ी से स्पेंड कर रहा है। इसमें अलग अलग देश जो इसके किनारे हैं उनको जो है परेशान कर रखा है, चाहे आप जापान ले लें, चाहे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ले लें, चाहे आप फिलीपींस, वियतनाम या साउथ चाइना सी में जितने देश उनको ले लें। तीसरे पे रशिया है, जिसने अभी रिसेंट कुछ समय पहले क्रीमिया पे कब्जा किया था यूक्रेन के साथ, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसका झगड़ा है। सीरिया में भी इसने लड़ाई में जो है हस्तक्षेप किया था, और अलग अलग जगहों पे बम्बर्स आए थे, केमिकल वेपन्स मारने के भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं। चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, जो मुस्लिम देशों का दादा है, और ये भी दादा बनना चाहता है, और ये टोटल जीडीपी का काफ़ी परसेंट इन्वेस्ट करता है इस पे, डिफेंस पे। और पांचवे नंबर पे इंडिया है, ये भी टोटल इम्पोर्ट्स की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया कुछ समय में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में। और अलग अलग चीज़ें आप समझ सकते हैं, ये अलग अलग जगहों से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसका कारण है कि इसके बगल में दो देश हैं जो कि काफ़ी ऑफेंसिव हैं और हमेशा जो है ये चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे आमादा रहते हैं। अभी चाइना के साथ भी भूटान के बॉर्डर पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है चाइना ने, साथ ही साथ पाकिस्तान भी आतंकवादियों को भेजता रहता है देश में हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो इनसे निपटने के लिए इंडिया को डिफेंस के तौर पर काफ़ी हद तक मजबूत रहना पड़ेगा। तो ये 5 देश हैं जो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके अपने देश को जो है मजबूत करना चाहते हैं, और कुछ इनमें से जो दादा हैं, कुछ इसमें दादा बनना चाहते हैं, और कुछ की ज़रूरत है, जिनमें से इंडिया एक है जिसको ज़रूरत है। और इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है और नॉर्थ कोरिया का नाम कहीं नहीं है। नॉर्थ कोरिया का नाम स्पेशली इसलिए नहीं क्योंकि वो रिसर्च नहीं कर पाए होंगे वहाँ, क्योंकि एंट्री अलाउड नहीं है। और अगर नाम अगर होता नॉर्थ कोरिया का तो ये भी कहीं 7वें 8वें नंबर पे ज़रूर होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगा, आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अभी लॉइन एक आएगा उस पर क्लिक करके, अगर आपको कमेंट करना है जो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं तो चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।